الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गया जहाँ कदम नहीं पड़े वहाँ है रात आज तक सहर हुई वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ गुजर गया तमाम अहबाब दा पहले तो मैं शुक्रिया अदा करदा तुसी मेरी थोड़ी जी दरख्वास्त और गुजारिश से तशरीफ ले आए असल दा सी खतीब बुलाए है तो नगा कोई मसरूफियत है इस वजह से वो नहीं आ सके 10-15 मिनट है गुंजाइश कोई एक दफ़ा सुभान अल्लाह सारे सुभान अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालहु ने बेटे दी नेमत अता फरमाई अल्लाह का शुक्र है और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतें गिनवाइया उन्हां दे विच एक नेमत ये भी है वल्लाहु जाअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जाअला लकुम बनीन व हफदतन व रज़क़कुम अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी जानों में से जोड़े पैदा किए हैं और बेटे और पोते अल्लाह ने अता किए हैं ये अल्लाह की नेमत है ते थोड़ा ये प्रोग्राम आया मैं चलो अहबाब नु बुला लिए थे अल्लाह ते अल्लाह के हबीब का तज़किरा हो जाए क्यों कि असी आशिक रसूल हैं असी कौन है आशिक रसूल हैं सारी दुनिया इसे तो तुली हुई है कि जनाब वाला असी आखने असी आज़ाद होना चाहते हैं सारी दुनिया आखदी असी आजाद होना चाहते हैं लेकिन असी फखर करने हैं कि असी गुलाम हैं मुस्तफा ऐसी गुलाम हैं मुस्तफा हैं लेकिन ये साडा अपना इतिहाद नहीं ये सहाबा इकराम दा अमल है हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला बिकदे बिकांदे गुलाम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा कुल आए हजरत खदीजा ने ये गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर दिया हदिया कर दिया उन्होंने बाप चचा इर्द गिर्द घूमते यार उनको साढ़े ज्यादा पता करावा जेडे काफिले इधर जावना पता करावना मक्के च काफिला आया उन्होंने जाके दस्या मियाँ तुहाडा पुत्र ते मक्के च और एक बंदा जेड़ा अपने आप नो नबी आखदा है उसका गुलाम बना उसका नौकर है उन्होंने जी पैसे पूसे इकट्ठे किए कि सोना चांदी जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत च आ गए अर्ज की सोना साढ़े को इस तो इलावा होर कोई शह कोई नहीं असं एक गुजारिश करते हैं कि साडा गुलाम जैद साडा भाई है साडा बेटा है सानू वापस कर दियो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पैसा नू अपने कोल रखो जैद नू बुला लो अगर जैद जाता है तो फरी ले जाओ बड़े खुश हो पैसे ही बच गए जैद भी मिल जासी हजरत जैद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जैद घरों बड़ा अरसा हो गया दूर हो गई हैं हम चल आप घर चलिए हजरत जैद रजी अल्लाह तआला रोन लग पे जैद खैर है हर कोई कैद हो कैदी तो बाहर जो आजादी मिलती हर कोई खुश होता है और भटके हुए जो राह मिलता है हर कोई खुश होता है अपने तो दूर हो गए जो अपने पड़ोसी आ जाता है परदेसी खुश होता है तू रोंदा पिया जैद चल हजरत जैद रजी अल्लाह फरमान लगे नहीं मैं नहीं जाना जैद वजह तदस की है
आखन लगे मैनू पता है कि उत्थे मेरी अपनी जायदाद है, मेरे अपने चाचे मामे, मैनू पता है मेरे रिश्तेदार कुंबा कबीला खानदान सारा उत्थे, लेकिन उस आजादी नू मैं कुर्बान करांगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी ते। हुजूर दी जिंदगी हुजूर दे कदमां दे अंदर सारी जिंदगी गुजारदे सां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम होना साडे वास्ते फखर दी बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह असीं इस ते फखर करदे हां। इसे निस्बत वास्ते इसे निस्बत नाल असीं महफिल छोटी जी सजाइए, और एक होर हदीस अर्ज कर रहे हो, अल्लाह जल्ला जलाल ने जमीन ते फरिश्तों की ड्यूटी लाई है, जाओ फरिश्ते हो थोड़ा काम की है, कुछ फरिश्ते ने उन्होंने काम बंदे की हिफाजत करना है। एक किताब के अंदर कि 24 फरिश्ते हर वक्त इंसान की हिफाजत में मौजूद है, 24 फरिश्ते, 2-4 अगे 2 पिछे, कोई कान थे कुछ नक थे कुछ अखा थे कुछ चेहरे थे, कुछ फरिश्ते उन्होंने काम किरामन कातिबीन सज्जे थे खब्बे मोडे थे, कुछ फरिश्ते उन्होंने काम जाओ दुनिया ते जाओ फिर देखो जिथे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़ा जाए थोड़ा काम है दुरूद पाक जाके हुजूर कोल पहुंचाओ। कुछ फरिश्तों का काम है तुसी जमीन ते घूमो देखो जिथे मेरा ते मेरे नबी दा तज़किरा हो रहा होवे अल्लाह रसूल दी गल हो रही होवे तो तुसी जमा हो जाओ। हदीस पाक दे अंदर आंदा सारे फरिश्ते घूमदे हन जमीन दे अंदर और किसे जगह अल्लाह रसूल दी गल होवे तो सारा नु बुला देन हां तू हलमू आ जाओ तुहाडा मकसद तुहानू मिल गया। हदीस पाक दे अंदर आंदा उस मजलिस नु वगाशियतहुम अर-रहमा वगाशियतहुम अल-मलाइका, उस मजलिस नु फरिश्ते जमीन तो लेके आसमान तक घेर लेंगे। खाली जी सुभान अल्लाह का आखिर उस मजलिस नो फरिश्ते जमीन तो लेके आसमान तक घेर लेंगे। जब इख्तिताम हो जाता है दुआ हो जाती है फरिश्ते अल्लाह को पहुंच दें, अल्लाह पूछ देना कितों आए हो, या अल्लाह कुछ बंदे तेरा ते तेरे नबी का तज़किरा कर दे बैठो कितों आए और की आखद है, या अल्लाह तेरे को जन्नत मंगते है जन्नत देखिए, या अल्लाह जन्नत नहीं देखी, अगर देख लेंगे तो फिर अल्लाह इस तू ज्यादा ख्वाहिश करे ना, अल्लाह फरमा दे तुम गवाह हो जाओ मैं नसारा की बख्शिश कर देती हूँ। और की मंगते है, या अल्लाह जहन्नम तो पनाह मंगते है, जहन्नम देखिए नहीं, या अल्लाह जहन्नम नहीं देखी, अगर देख लेंगे अल्लाह जहन्नम तो ज्यादा पनाह मंगे ना, फरिश्तो तुम गवाह हो जाओ मैं जहन्नम तो रिहा दे। फरिश्ता ने आख्या या अल्लाह एक गल है जी, या अल्लाह कोई बंदा बुलाया हो या कोई नहीं आ, वैसे लगता टपदा भी अच्छा चलो तमाशा ही देखी मौलवी अल्लाह वैसे बह गए आके, मकसद होता मजले से अटेंड करना नहीं, मकसद हो तमाशा देखना, मकसद जाके देखा होता की है, या अल्लाह उहदा मकसद मजलिस दे विच आवना ही नहीं, अल्लाह फरमा दे जा उहदी भी बख्शिश मगफरत हो गई। क्यों हम जलीस ला यशका जलीस हो, ऐसे लोग हैं जिन्ना नाल बैठा नाला कदे भी बदबख्त नहीं होगा। वास्ते ख्वाहिश है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल का तज़किरा हो जाए, जमा तो वैसे ही असी होना, और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश पूरी हो गई, और मेरे वालिद साहब ने सानू दीन से लगाया, और मैं बैठा खुश हो रहा हूँ कि एक तू एक नात खां पे हूँ, किनू टाइम देवी है किनू ना देवी, अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी खुशकिस्मती है साड़ी आखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई खानदान ऐसे पैन कई महल्ले ऐसे पैन उन्होंने तिलावत आस्ते बंदा नहीं मिलता। मैं हाँ सियासी बंदा नहीं है मैं कदे गल नहीं की, लेकिन वैसे आ गई तो कर देवा, कोई बंदे ऐसे तिलावत आस्ते बंदा नहीं मिला, भरे जन से जो ना रिकॉर्डिंग लाई पूरे लखां दे मुलखां दा मजमा आज तू कोई तिलावत वाला बंदा नहीं मिला। अलहम्दुलिल्लाह ये साडे अबाओ अजदाद की मेहनत है, उन्हां दी दुआवां हैं जिहड़ा साडे नसल तक दीन पहुँच रही है, और मैं तुहानूं खुद आखसां हकीके दी भी नाल सुन्नत ते अमल कीता, गुजारिश कर सां तुसीं भी हकीके दी सुन्नत ते अमल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हकीका कीता, बेटियां दा हकीका कीता, और बेटे दे 2 बकरे होंदे ने ते बेटी दा 1 बकरा होंदा है, फरमाया कि इस दी वजह तों अल्लाह ताला उस दी सारियां बीमारियां दूर कर देंदे। साडे इक दोस्त ने आखदे मैं पहले बेटे दा हकीका तो कोई नहीं कीता, लेकिन दूसरे का जो किया तो पता लगा कि कहते फायदे की होंगे, असं वैसे रस्मों से खर्चे कर देने, लेकिन यह सुनना तो सू इस पास आना चाहिए।